हाय एवरीवन, मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं इन्फोमेन्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्नैप एग्ज़ाम से रिलेटेड तमाम जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप स्नैप की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एग्ज़ाम है स्नैप, इसकी फुल फॉर्म होती है सिम्बाइसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये वो टेस्ट है जिससे आपको MBA में एडमिशन मिलेगा। किस कॉलेज में मिलेगा, कहाँ का इसके सेंटर्स होते हैं, कितनी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल आपके जहन में आएगा कि भाई क्या है स्नैप एग्ज़ाम, क्या है? तो स्नैप एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे कि आपको MBA के प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? सिम्बाइसिस इंटरनेशनल, यानी कि सिम्बाइसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारी आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी, स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी, उसके ऊपर मैं आगे बात भी करूँगा, तो आप इस एग्ज़ाम के ज़रिए ले सकते हैं एडमिशन। अगर आप ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आप फर्दर आगे अपने एडमिशन प्रोसेस में बढ़ सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपको किसी एक सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहाँ कंप्यूटर पर जाकर आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कि हर जगह अगर आप देखेंगे तो सिमिलर ही एलिजिबिलिटी होती है, क्योंकि MBA की तैयारी की बात हो रही है। तो इसके अंदर आपको कम से कम 50% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपके 45% भी हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा और भी क्राइटेरियाज़ हैं, ये तमाम चीज़ें आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ वीडियो के माध्यम से। तो देख सकते हैं, अगर आपने कहीं बाहर से क्वालिफाई किया है, कोई कोर्स बाहर से किया है, तो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट AIU से लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ये बहुत से लोग पूछते हैं सवाल कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हो अप्लाई, लेकिन अगर आपका क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम, एडमिशन आपका हो जाता है, तो आपको इसका देना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने मार्कशीट डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम क्विकली आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि स्पेशलाइजेशंस काफ़ी हैं, यानी कि आपको यहाँ अराउंड 20 स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगी। कौन कौन सी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ IT, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, IB, एग्री बिजनेस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फिनेंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये तो मैंने कुछ यहाँ लिखे हैं, इससे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी। अलग अलग सिम्बाइसिस के आपको इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, पुणे में तो है ही, उसके अलावा हैदराबाद, नासिक, बेंगलोर, बेंगलुरु, नागपुर, इस तरह के आपको स्टेट्स में ये मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का जो पूरा वेटेज होता है, पूरे जो प्रोसेस है किस तरह की होती है, यानी कि स्नैप का जो एग्ज़ाम होता है उसका स्कोर होता है आपका 50 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो उसके बाद आपको ग्रुप एक्सरसाइज देनी पड़ती है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है, जो कि हर MBA के कहीं भी आप एडमिशन लेंगे ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, 10 नंबर। उसके बाद पर्सनल इंट्रैक्शन के आपको यहाँ 30 मार्क्स मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि 50 नंबर अगर इसके मिल रहे हैं, उसके बाद 30 के इसके मिल रहे हैं इंटरव्यू के, तो आपको इन दोनों को बहुत फोकस करना है। राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के 10 हैं और टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं, तो ये पूरा आपको इसमें से वेटेज मिलेगा। तो आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है अपनी, तमाम इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि कहाँ का सेंटर्स होते हैं, किन किन शहरों में होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 86 से भी ज़्यादा आपको यहाँ सेंटर्स मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, बड़े बड़े शहरों में आपको मिल जाएगा। और अगर आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि कुछ स्टेट्स मैंने यहाँ दिखाई हैं, कुछ सिटीज़ मैंने यहाँ दिखाई हैं, आगरा हो गया, अहमदाबाद, अजमेर, अलीगढ़, अम्बाला, ये सब आप वेबसाइट पे इजीली जाके देख सकते हैं। मैंने कुछ आपको दिखा दिए कि 85-86 सिटीज़ में आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप किसी भी शहर में रहते हो। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका टेस्ट का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको कॉम्प्रेंशन, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स आता है, डेटा सफिशेंसी आता है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश वगैरह भी है, तो ये आप पूरा देख सकते हैं। इतने क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस फर्स्ट सेक्शन से, 25 इस सेक्शन से आएंगे, क्वांट्स डेटा इंटरप्रिटेशन से 20 आएंगे, ठीक है। तो टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे और 60 मार्क्स के होंगे। सही जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा और गलत जवाब देंगे तो आपका इसमें 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद और डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ था, 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हो जाएगा, 24 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा,
पेमेंट देने की भी डेट जो है नवंबर 24। तो आप देख सकते हैं snaptest.org इस साइट पे डायरेक्टली जाओ, ठीक है, वहाँ आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप सारी चीज़ें भर दोगे, फॉर्म फिल कर दोगे, तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो 5 तारीख को आएगा, 5 दिसंबर को आएगा स्नैप वन का। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, आपको 3 स्नैप होते हैं, यानी कि 1, 2, 3। आप एक स्टूडेंट जो होता है वो मैक्सिमम 3 बार दे सकता है, और जो उसका हाईएस्ट स्कोर होता है उसे कंसीडर किया जाता है। तो ये इन्होंने सारी डिटेल्स रखी इस साल की 2022 की, कि स्नैप वन कब होगा, 10 दिसंबर को, 18 दिसंबर को स्नैप टू होगा, 23 दिसंबर को होगा हमारा स्नैप थ्री, ठीक है, रिजल्ट्स कब आएंगे 10 जनवरी को। तमाम डिटेल्स इसके अंदर दी हुई हैं, तो आप इजीली ये वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आखिर में कितने का फॉर्म है भाई, 1950 रुपये का फॉर्म है, लगभग 2000 रुपये आप मान सकते हो। तो आप ऑनलाइन जाके ईजिली फिल कर सकते हो और अपना आगे इसकी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फोमेन्यू को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज्ड 1-on-1 करियर गाइडेंस सेशंस भी कनेक्ट करता हूँ, तो अगर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो आप एक सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।